हमारे लिए तो सारे लीडर्स हैं, तो शिंदे साहब तो हमारे लीडर है ही है क्योंकि मैं शिवसेना से हूँ, लेकिन फडणवीस साहब भी हमारे नेता है, अजीत दादा भी हमारे नेता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम को घोषित हुए अब 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले महायुति गठबंधन ने राज्यपाल के सामने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 235 सीटों पर महायुति गठबंधन के जीतने के बाद महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। इसकी वजह है महायुति की ओर से महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जंग चल रही है। महाराष्ट्र सियासत में महायुति के जीत के बाद मुख्यमंत्री चुने जाने के मामले के अनेक पहलू हैं। वैसे तो बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन फाइनल मुहर लगना आसान नहीं है। सीएम पद के लिए पूरी तरह से डटे हुए एकनाथ शिंदे ने भी अब बड़ा ऐलान कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी का जो भी फैसला होगा उनको वो मंजूर होगा। वहीं अजीत पवार खेमा भी सियासी पावर के लिए बेताब है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही खेमे की तरफ से सीएम पद पर दावेदारी की जा रही है। महाराष्ट्र सीएम के नाम पर राजनीतिक मंथन के बीच शिवसेना नेता और शिंदे के करीबी दीपक केसरकर ने बड़ा बयान दिया है। दीपक केसरकर ने कहा कि सीएम शिंदे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, सीएम पद को लेकर कहा कि जो दिल्ली में तय होगा वो मान्य होगा। उनका एक नाता रहा है फडणवीस साहब के साथ, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन रह चुका है और ये नाता उन्होंने वैसे ही रखा और आगे चल के भी वैसे रहेगा। अजीत दादा भी अभी हमारे साथ है, तो एक महायुति का जो मैंडेट दिया है वो महायुति के लिए है, तो हमें इकट्ठा रहना चाहिए, हमें अच्छी तरह से काम करना चाहिए। और ये मैंडेट मोदी साहब के लिए भी है। देखिए, मोदी साहब का एक फेस है जिसके लिए लोग मतदान करते हैं, चाहे वो शिवसेना को करे, चाहे वो भाजपा को करे, चाहे वो एनसीपी को करे, तो ये एक एनडीए को ये बहुत बड़ा मैंडेट है। और दूसरा मैंडेट, ये जो एफर्ट्स लिया शिंदे साहब ने लिया, फडणवीस साहब ने लिया, अजीत दादा ने भी महाराष्ट्र की टूर की, ये सब जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो दिल्ली से तय करेंगे, इसके बारे में हमने कुछ बोलना ठीक नहीं है। हमारे लिए तो सारे लीडर्स हैं, तो शिंदे साहब तो हमारे लीडर है ही है क्योंकि मैं शिवसेना से हूँ, लेकिन फडणवीस साहब भी हमारे नेता है, अजीत दादा भी हमारे नेता है। साथ ही साथ शिवसेना नेता ने महायुति या शिवसेना में किसी तरह की नाराजगी की खबरों से इनकार किया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी है, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर जल्दबाजी में बीजेपी नहीं लग रही है। मंत्रिमंडल पर फैसले के बाद ही सीएम का नाम तय होगा।